हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बैंगन का भरता बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताने वाला हूँ। इस तरह से आप बैंगन का भरता बनाएंगे, ना तो आपको बैंगन को रोस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही उनको बाद में ठंडा करके पील करने की जरूरत पड़ेगी। और ये बैंगन का भरता खाने में ना जो रोस्टेड बैंगन का भरता बनता है ना, उससे भी ज्यादा टेस्टी बनने वाला है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आपने बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए 3 बैंगन लिए है। बैंगन का जो आगे वाला डंठल है ना, उसको आपने काट लेना है। काटने के बाद हम इनको पील करेंगे। तो ओके, देखिए पीलर की सहायता से आप इनको छील लीजिए अच्छी तरह से। इसकी स्किन है बाहर की, उसको आपने रिमूव कर देना है। फिर छीलने के बाद आपने बैंगन की कटिंग कर लेनी है और अच्छे से चेक भी कर लेना है बैंगन के अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो ओके, देखिए बैंगन को यहाँ पे मैंने मोटे मोटे पीसेज में काट लिए है। आप चाहे इसके क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको मसाला बनाने के लिए 1 प्याज, 2 टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन चाहिए होगा। तो यहाँ मैंने कुक कर लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना आपने यहाँ पे, और जैसे ऑयल गर्म हो जाए आधा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आप धनिया और जीरे को तिड़कने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल देनी है और इसके साथ में आपने बैंगन भी ऐड कर देने हैं। तो बैंगन को काट के मैंने पानी में रखा था ताकि इनका जो कलर है वो डार्क ना हो। तो ये देखिए सारे बैंगनों को मैंने मोटा मोटा काट के यहाँ पे ऐड कर दिया है। और जो टमाटर लिए थे मैंने 2 टमाटर, उनके मैंने 1/2 करके ऐड कर दिए। आप चाहे इनको भी छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं। साथ में आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा आप इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। और गैस की फ्लेम आपने हाई कर दी है। हाई फ्लेम में आपने कम से कम 1 से 2 मिनट तक इनको भून लेना है। भूनने से क्या होता है, जो बैंगनों का कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाता है। तो 1 से 2 मिनट तक आप इनको भून लीजिए। और भूनने के बाद आपने क्या करना है, इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करना है। कितना पानी डालना है ये देखिए, छोटी लेडल मैंने भर के डाली है। इससे ज्यादा पानी नहीं आपने इसमें ऐड करना है। ये पानी मैंने तो डाला ताकि जब हम इनको पकाएं तो बैंगन जो है वो नीचे न लगे। ऐसे तो बैंगन और टमाटर भी पानी छोड़ेंगे, बट थोड़ा सा पानी आपने इसमें जरूर डालना है। गैस की फ्लेम मैंने चालू कर दी है और मीडियम फ्लेम में आपने 3 बिसल लगवानी है। 10 से 12 मिनट तक आप बैंगनों को पकाएंगे, आपके बैंगन अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये देखिए बैंगनों का भरता बन चुका ना। इस तरह से आपने बैंगनों को बॉईल कर लेना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा, टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। अगर आपको लगता है बैंगन थोड़े से अच्छी तरह से नहीं गले हैं तो आपने क्या करना है, इनको एक बाउल में निकालना है और अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अच्छी तरह से बैंगन हमारे मैश हो चुके हैं। अब इसके बाद हम मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए आपने प्याज का यूज थोड़ा सा ज्यादा करना है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इनको आपने बारीक काटना है। ये देखिए कैसे काटना है, प्याज में इस तरह से पहले आप कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद आपने इसको 1/2 करना है। 1/2 करके इस तरह से आप प्याज की कटिंग कर लीजिए। इस तरह से आप प्याज को काटेंगे, प्याज एक बराबर साइज में कटेगा और जब प्याज को पकाएंगे तो अच्छी तरह से पक भी जाएगा। तो ये देखिए दूसरे प्याज को भी आपने इसी तरह से बारीक काट लेना है। इस तरह से प्याज की कटिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जैसे आप ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड करना है और जीरे को आराम से यहाँ पे चटकने दीजिए। इसके साथ में आपने थोड़ी सी हींग ऐड करनी है। हींग से एक तो अच्छा फ्लेवर आएगा भरते में और दूसरा डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो मीडियम फ्लेम में आराम से जीरे को आप चटकने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और अब आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है। और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो मॉइस्चर है वो खत्म ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है, ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने प्याज को। ये देखिए प्याज का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है और प्याज हमारा सॉफ्ट भी हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें 1 और टमाटर ऐड करना है। तो टोटली मैंने 3 टमाटर का यूज किया भरता बनाने के लिए। 2 टमाटर मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे और 1 टमाटर मैंने अभी इसमें ऐड किया है। फिर से गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम में टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। मसाले ऐड करेंगे। मसालों में आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है, थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं करना है, नहीं तो भरता बहुत ही स्पाइसी हो जाएगा। 1 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है। थोड़ी सी रोशनी कसूरी मेथी भी ऐड किया है। तो धनिया पाउडर का यूज आपने भरता बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा करना है यहाँ पे। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में मसालों को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए।
तो ओके देखिए, एक से डेढ़ मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम में मसालों को भी पका लिया है। इसके बाद हम इसमें हरे मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर का यूज किया है। अगर आपके फ्रेश मटर हो आप उनको बॉयल करके डाल सकते हैं भलते के अंदर। और मटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने इसमें। और इसके बाद हम इसमें बैंगन का जो हमने भलता बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। और पानी आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। तभी मैंने आपको पहले बताया था कि पानी का यूज आपने भलता बनाने के लिए बिल्कुल कम करना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में आपने भलते को तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। जितना अच्छे से आप भलते को पकाएंगे ना उतना ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा। ऊपर से कवर कर दीजिए। 4 से 5 मिनट तक आप भलते को यहाँ पे पकने दीजिए और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है ताकि भलता कढ़ाई के नीचे न चिपके। तो ये देखिए मॉइस्चर कितना कम हो चुका है। तो इसी तरह से आप इसको थोड़ी देर और भून लीजिए। कब तक भूनना है? जब तक भलता पकने के बाद कढ़ाई को छोड़ना शुरू ना कर दे तब तक आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और ये देखिए भूनने के बाद आपने इसमें लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालना है और थोड़ा सा आप इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड कीजिए। और इसके साथ में हमने थोड़ा सा इसमें देसी घी ऐड करना है। थोड़ा सा देसी घी डालेंगे ना टेस्ट देखिएगा कितना जबरदस्त टेस्ट आएगा आपके भलते में। और अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद हम बैंगनों को बिना रोस्ट किए इसमें स्मोकी फ्लेवर लाएंगे। वो कैसे लाएंगे? इसके बाद आपने एक कटोरी लेनी है और कटोरी में आपने जला हुआ कोयला रखना है। अगर आपके कोयला ना हो आप कोई भी स्टिक लीजिए उसको जला लीजिए उसका कोयला बन जाता है। और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा देसी घी डालना है। ऊपर से कवर कर दीजिए और 40 से 50 सेकंड तक आप इसको स्मोक दीजिए। इससे क्या होगा जैसे हम तंदूर में रोस्टेड बैंगन का भरता बनाते हैं ना वैसा ही फ्लेवर आएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। और इसके बाद इसका ढक्कन हटा देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स